हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। और ईवीएस के इस लेक्चर में जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले के अगर आपने 13 जो प्रैक्टिस सेट पेपर हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लीज जाके पहले चेक कर लीजिए, उनसे आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट सीरीज है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको करना होगा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और साथ में दबाना होगा बेल आइकन, ताकि जैसे ही कोई सीरीज में नया चैप्टर ऐड हो या कोई और अदर लेक्चर लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कासा यानी कि जिसको हम ब्रोंज बोलते हैं वो दो धातुओं का मिश्रण है, तो आपको बताना है कि वो कौन सी धातु है। जो ब्रोंज है वो एक मिश्र धातु है, तो आपको बताना है कि वो कौन कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनी है। तांबा और जस्त यानी कि तांबा और जिंक, तांबा और टीन, तांबा और लोहा या एल्यूमिनियम और टीन, तो वो बनी है तांबा और टीन से। आंसर जो आपका यहाँ पे रहेगा फर्स्ट का वो रहेगा आपका सेकंड, तांबा और टीन से बनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी कि ढंग दिए गए हैं। खाना पकाने के तरीके किसमें दिए गए हैं? उबालकर, गूंथकर, भूनकर। गूंथकर तो हम आटा गूंथते हैं तो ये तो नहीं है। सेककर, उबालकर, बेलकर, नहीं पहले बेलेंगे फिर सेकेंगे ना रोटी, तो ये भी नहीं है। तलकर, भिगोकर, भूनकर, ये भी नहीं है। तो सेककर, तलकर और भूनकर ये खाना पकाने के तरीके हैं। आप किसी चीज को सेककर बना सकते हैं, किसी चीज को तलकर बना सकते हैं और किसी चीज को भूनकर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सबसे सही है। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ये इसमें कहना चाह रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में है माउंट एवरेस्ट और उसकी चोटी की ऊंचाई जो है वो है 8900 मीटर, ये है, या नेपाल का भाग है। तो आपको ये तो पता, ये चलो आपको अगर बाय चांस आप ये भी भूल जाते हो कि कितनी ऊंचाई है उसकी, लेकिन आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, नेपाल में है, भारत का भाग जिसमें चोटी ये भी नहीं है, भारत का भाग तो नहीं है ये, और तिब्बत का भाग भी नहीं है। तो यह एक नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच जाए। एक रेगिस्तानी ओक होता है, एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी ही जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जहां तक कि पानी न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना होती है, यानी कि जितना पेड़ ऊंचा होगा उसकी जड़ उससे 30 गुना लंबी होगी। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना है। इसमें राजस्थान, आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या रूस, तो ये पेड़ पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा थर्ड, ऑस्ट्रेलिया में ये पेड़ आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नागरकोइल स्टेशन तक पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी है वो है 2649 किलोमीटर और रेलगाड़ी की औसत चाल आपको बतानी है। तो ये आपका थोड़ा मैथ का फॉर्मूला है, ये आपको बताना है कि क्या होगा, किलोमीटर में दिया गया है और आपको किलोमीटर पर आर निकालना है। तो आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे टाइम को आर में और फिर उसके बगैर उसके साथ आप फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? अगर बिहार वाले लोग मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो कौन सी अवधि सबसे अच्छी होती है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर? तो बिहार राज्य में अगर मधुमक्खी पालन शुरू करना है तो अक्टूबर से दिसंबर इज बेस्ट सीजन। नेक्स्ट है, खेजड़ी वृक्ष बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी एक वृक्ष है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह खेजड़ी वृक्ष बेसिकली रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 7 का A, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है आपका कि हाथियों के विषय में नीचे में से दिया गया कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि हाथी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। नहीं, हाथी को आपने बहुत कम बैठे हुए देखा होगा, हाथी आपको चलते हुए ही दिखाई देते हैं ज्यादातर, आप जब भी मोस्टली देखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, ये करेक्ट है। यहाँ पर इससे आगे देखते हैं कि वैसे हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते जड़े खा सकते हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। और हाथी 8 से 10 घंटे सोता है, ये भी गलत है। आपका 8 का सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसमें गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। कोई गांव का एक विलेज का एक स्टूडेंट है, उसने अपने घर के विषय में लिखा है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ का गांव है, ये आपको बताना है। तो मैं गांव से आया हूँ और हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, यानी कि जहां से वो आया वहां पर वर्षा तो बहुत अधिक होती है, और इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो बारिश ज्यादा होती है तो उनके घर भी वहां पर ऊंचे बने होते हैं ताकि घर में पानी ना घुसे। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो आपको ऐसा एरिया जहां पर जो घर है वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, तो आपको ये बताना है। तो आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं, उत्तराखंड भी नहीं है, आंसर है आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है। जो ब्रेल लिपि होती है, जैसे कि जिसपे अंधे लोग ऐसे अपना हाथ रखकर महसूस कर पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि में कितने अक्षरों पर बनी होती है, वो 6 बिंदुओं पर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। जो नीचे दिए गए पक्षी हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है। मैना, कौआ, उल्लू, कोयल। तो आंसर आपका यहाँ पे है उल्लू सबसे ज्यादा अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे कि टैपिक ओका है या नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो नारियल, आपको इसमें हिंट मिल रही है कि नारियल और टैपियोका है, तो आपको यह बताना है कि नारियल कहाँ पर उगते हैं। तो नारियल कहाँ पर उगाए जाते हैं सबसे ज्यादा, यहाँ पर केरल में। तो ऑप्शन में से क्या रहेगा आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। तो मरीज जो है किस रोग से पीड़ित है, अगर कोई डॉक्टर बोले कि इसको गुड़ खाना है, आंवला खाना है या हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, तो इन सब चीजों से क्या मिलता है, इन सब चीजों से खून की कमी दूर होती है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जितना खाते हैं आपकी खून बढ़ता है, तो एनीमिया की उसको शिकायत है, यानी कि खून की कमी उसको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, और ये पक्षी हैं कौन से पक्षी हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, थर्ड ऑप्शन। तो ये तीनों पक्षी हैं जो मनुष्य से ज्यादा देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो क्रमशः दिल्ली के कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश है उत्तर में और मध्य प्रदेश है दक्षिण में। तो आपका ऑप्शन जो इसमें से रहेगा करेक्ट, वो है आपका थर्ड ऑप्शन, सी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयोग होता है, तो ईवीएस, आप जो ईवीएस पढ़ रहे हैं उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो आपको उसका तो पता ही होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य कौन सा इसमें नहीं है। तो कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभी प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा कि अगर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो इसमें से कौन सा है, शिक्षण कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंचल अपनी कक्षा 5th में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य डैश सुधार करना चाहता है। अगर कोई बच्ची है, आंचल नाम की बच्ची है, वो कक्षा 5th में ही है अभी, 5th क्लास में है अभी, और ईवीएस की कक्षा में वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें कि गहन जांच पड़ताल होती है और कल्पना परक प्रश्न पूछती है, तो उससे इस मद में आप क्या अवलोकन करती है, वो स्विंगात्मक चिंतन या बोलने संबंधी, तो वो चिंतन ज्यादा करती है, चिंतन कौशलों में वो सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3rd के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दिए गई पद्धति का प्रयोग करती है।
तो टीचर है वो क्या करती है, कक्षा थर्ड में परीक्षार्थियों का एक जो लेक्चर है हमारे दोस्त पक्षी, उसको पढ़ाते समय निमन जो पद्धति है वो प्रयोग करते हैं। क्या करती है वो कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाती है, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करती है और संक्षेप में उसका वर्णन भी करती है। शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाकर उनके पक्षियों को ध्यान में रखने के लिए भी कहना। तो नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के लिए विभिन्न उपयोगों का उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो जो नलिनी कर रही है वो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? जो हम खेलते हैं उसके प्रकरण में आपको बताना है कि शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिगम भागीदारिता के लिए कौन सी शिक्षण युक्ति है जो सबसे अधिक प्रभावी होगी। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मुझे यहाँ पे आपका करेक्ट लग रहा है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना, उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, खेल कार्ड बना के दिखाने की वजह उसको यही है कि मैदान में ले जाकर उसको खिलाया जाए। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, ये भी कोई खेल का पीरियड नहीं है। जब तक आप किसी को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाओगे तो उसमें जो खेल से जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उसमें जो आपस में भाईचारा, जीत की कॉम्पिटिशन की भावना जो पैदा होती है, तो वो नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन का दर्ज कराना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप से चिन्हांकन वाले आरेख बनाना या जल प्रदूषण के आने के बारे में चर्चा करना। अगर हमें पर्यावरण की कक्षा में रूपाकलन आकलन करना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा वो होगा जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 22वां, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4th के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है, तो यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। क्या मदद करेगा ये जो मदद करेगा वो करेगा आपकी कि आप घर, सॉरी क्या मदद करेगा ये मदद करेगा कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। तो आप जो पशु पक्षी जो आप पिक्चर में देखते हैं तो वो चिड़ियाघर में जाकर वो अच्छे से देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। अगर कोई शिक्षार्थी है शालिनी और कक्षा 5 के स्टूडेंट्स को पोषण के बारे में जानकारी देना चाहती है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? श्यामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी बट इतनी नहीं, तो आगे देखते हैं क्या होगा। पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, ये भी कर सकती है। विभिन्न प्रकार के भोजनों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, उससे भी मिल सकती है। लेकिन जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपको शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्व का अवलोकन करें और उसके बाद उसकी व्याख्या करनी चाहिए। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों जो कि क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। क्या क्या? प्रश्न लिखना, रूपरेखा और डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना या ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आपको सबसे पहले क्या होगा, किसी चीज की हम पहले क्या करते हैं, हम डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसके बाद हम प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार के एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है। अगर हरप्रीत अपने स्टूडेंट्स को यह सुझाव दे कि उसको पर्यावरण संरक्षण करना है तो एक व्यक्ति कैसे कैसे अच्छे तरीके से संभावित से अपना योगदान दे सकता है वो बताना है, तो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें, उससे बिल्कुल हेल्प मिलेगी। कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखे, रखे लेकिन जब जरूरत हो तब चलाए, ये नहीं कि आप थोड़ी सी दूरी पर जा रहे हो तो भी आप चलें। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचें, अगर काम हो तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सिखाना चाहिए टीचर को। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करें। तो जो अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण में जो सबसे ज्यादा फायदा देगा वो होगा कि आने जाने के लिए हम सार्वजनिक साधनों का प्रयोग
करें, जो आप आजकल देख पा रहे हैं, जो ट्रैफिक लगता है, बेसिकली ट्रैफिक जाम जब होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, सबके पास अपने अपने व्हीकल है। अगर एक घर में दो इंसान है तो दो तो होंगे ही व्हीकल, तीसरा भी हो सकता है। तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड के पास अपना अलग व्हीकल है, वाइफ के पास अपना अलग अलग व्हीकल है। तो क्या होता है कि ट्रैफिक जाम इसीलिए होता है क्योंकि सब अपनी पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रमोट करते हैं क्या कि कार पूलिंग यूज करें या पर्सनल जो सार्वजनिक साधन है, जैसे कि दिल्ली में आप मेट्रो यूज कीजिए या शटल जो ऐप है एनसीआर की वो आप यूज कीजिए, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण में फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अगर कक्षा 5 के स्टूडेंट्स हैं उनमें जिज्ञासा जगानी है तो सबसे प्रभावी तरीका क्या रहेगा? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना और अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। तो जो आंसर आपको यहाँ पे रहेगा, अगर जिज्ञासा जाननी है, जिज्ञासा जागृत करनी है तो गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? सोच के भी डर लग रहा होगा कि अगर एक महीने तक बिजली ना हो तो क्या हाल होगा हमारे। तो गर्मियों में अगर एक मिनट के लिए बिजली चली जाती है तो हम चिल्लाने लगते हैं कि लाइट चली गई है। तो क्या होगा एक महीने में, अगर बिजली एक महीने के लिए बिजली ना हो तो? समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, या शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो इससे क्या होगा, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना है, उनके आइडिया जानने हैं, उनकी क्रिएटिविटी जाननी है। तो सारी चीजें कितना वो सोच सकते हैं, उनकी सोचने की शक्ति यहाँ पर जाननी है। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा पाठ में ईवीएस की बुक में पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है सर्वेक्षण और लेखन, तो इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना या फिर शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। तो सर्वेक्षण और लेखन यानी कि जो आपके पीछे जो एक्टिविटी होती है कि आपको ये चीज खोजनी है और लिखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में कौन कौन से पेड़ है, या आप जिस पार्क में खेलने जाते हैं वहां पर कौन कौन से पेड़ या पौधे हैं वो आपको लिखना। तो ये एक एग्जाम्पल है सर्वेक्षण और लेखन का। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है, तो आपको इसमें बताना है कि क्या करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर साधारण पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, या इसके आगे जो ऑप्शन है वो है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावशाली विधि है? तो जो सबसे कम प्रभावशाली है वो यही है कि कटी लकड़ियों के भंडार को दिखाना, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों के समझ के स्तर पर जानने के लिए एक प्रशिक्षण प्रशासित करती है। क्या है टॉपिक कि अगर यह समाप्त हो जाए, सपोज पेट्रोल अगर खत्म हो जाए तो उसके बारे में बताना है। तो उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि क्यों नहीं समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? उसका कारण क्या हो सकता है? उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का उपयोग नहीं किया। बिल्कुल ठीक, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे फर्स्ट रहेगा कि उसने जो पढ़ाने के लिए है सही पद्धति का उपयोग नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो इससे लिए मैं आपके फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपको जो समझ ना आ रहा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सीटेट की जो आपका 7 जुलाई है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए बेस्ट तरीके से। अगर आपको कोई भी बुक की हेल्प चाहिए, कोई भी पेडागोजी, कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी या किसी भी चीज की हेल्प, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए था इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।